हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके, सो वेलकम टू अन अकेडमी में सबका स्वागत है। माय नेम इज़ दिलीप सिंह चौहान एंड आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई लव टू टीच फिजिक्स। फिजिक्स इज़ माय ओल्ड फ्रेंड, सो आई वेलकम यू ऑल ऑन अन अकेडमी पे सबका स्वागत है। आप प्लस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। देर आर डेली लाइव क्लासेस, जो रेगुलर डेली लाइव क्लासेस होती हैं उनसे आप एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लाइव क्लास का आपको फील आएगा जैसा आपका ऑफलाइन क्लासेस होता है वैसा का वैसा। एंड देर विल बी लाइव टेस्ट एंड क्विजेज जो आपकी प्रिपरेशन जो है उसको एवेल्यूएट करेंगी, जिससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा एंड द एजुकेटर विल नो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिनसे आपका सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा होगा। एंड यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कंटेंट। ओके, इसका मतलब हो गया कि जितने सारे यहाँ पे एजुकेटर्स हैं उनके सबके आपको कोर्सेज का एक्सेस है। यू कैन चूज कि हमें किन से पढ़ना है एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आइकॉनिक एज वेल। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस, इन आइकॉनिक यू विल बी गेटिंग ए पर्सनल कोच जो आपको मेंटोर करेंगे थ्रू आउट योर नीट जर्नी। ओके, ही विल बी एनालिसिंग योर टेस्ट। ओके, आपके इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगी टेस्ट में, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इंप्रूव हो रही है, क्या आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, आपकी एग्जाम अप्रोच क्या है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन इट। ओके, और योर स्टडीज विल बी प्लान। ओके, यू विल बी गेटिंग ए कस्टमाइज स्टडी प्लान। ओके, आपको लगेगा कि आपको इस चीज़ में दिक्कत है, यू आर वीक विथ केमिस्ट्री, यू आर वीक विथ फिजिकल केमिस्ट्री, यू आर वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू आर वीक इन मैकेनिक्स, यू आर वीक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो उसके हिसाब से आपकी कस्टमाइज स्टडी जो है प्लान करी जाएगी एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। दैट मीन्स प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, इन एडिशन यू विल बी गेटिंग ए पर्सनल मेंटोर जो आपको हेल्प करेंगे हर चीज़ में। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर आइकॉनिक फीस स्ट्रक्चर। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ आइदर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, क्योंकि इतना टाइम एटलीस्ट चाहिए होता है, सिलेबस इज़ वर्स्ट एंड आपको तैयारी करने में भी इतना टाइम लगेगा और इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। एंड यू कैन यूज़ माई कोड DS01 टू अवेल अ डिस्काउंट एंड दिस इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर प्लस। अगेन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ आइदर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एंड यू कैन यूज़ माई कोड DS01 टू अवेल अ डिस्काउंट एंड यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इट्स फ्री एंड आई रिकमेंड यू कि आप डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पे हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, सो वी आर कंडक्टिंग ए सीरीज ऑन मैकेनिक्स। सो बेसिकली अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं। वी हैव डन, देखो हमने काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स हमने कर ली है। ओके, वी हैव डन काइनेमेटिक्स, यस वी हैव डन इट, वी हैव डन प्रोजेक्टाइल। ओके, उसके बाद में हमने क्या बोलते हैं NLM भी कर लिया है। NLM के बाद में हमने आज हमारा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स का सीन्स वो रहेगा, उसके बाद हमारा WPE, रोटेशनल डायनामिक्स, SHM, ऐसे करके पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन लास्ट 10 डेज आई हैव डिस्कस अराउंड 200 और 300 वेरी गुड प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स। सो आई विल सजेस्ट यू टू यू गो एंड चेक, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप DC फिजिक्स JEE नीट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी हमारे कोर्सेज लाइव कोर्सेज नए आने वाले हैं उनके बारे में सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, यू आर वेलकम। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो सब लोग? पुष्पम, सुहासी, केविन, अनिकेत, विल नीट 2022 डिफिकल्ट आफ्टर इंक्लूडिंग एम्स एंड नीट 20 वॉज ईजी बिकॉज ऑफ कोविड। यस केविन, देखो 19 इस बार का जो पेपर हुआ है 20 का, इट वॉज़ वेरी ईजी। ओके, इट वॉज़ वेरी ईजी, दैट्स वाई यू कैन सी कि कट ऑफ जो है बहुत हाई चले गए हैं। कट ऑफ इज़ वेरी हाई इस बार, क्योंकि सिंपल था कि जो पेपर था क्वेश्चन पेपर वॉज रियली ईजी। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, कोविड, लोगों की स्कूल्स बंद थी, कोचिंग्स बंद थी, दैट्स वाई द पेपर वॉज सेट टू बी वेरी ईजी। ओके, बट इन 21 एंड 22, ओके 21 एंड 22 इनका पेपर जो है थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। ओके, यस यस, 20 21 22 विल बी गुड, यस।
नो केविन, नो केविन, नो जे एडवांस, यू डोंट हैव टू यू नो गो फॉर जे एडवांस्ड। जे एडवांस्ड इज मच 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 ऑन हायर लेवल देन नीट। ओके और कुछ पूछना आपको? गुड मॉर्निंग लोकेंद्र, अजोय, माध्या। ओके सो लेट स्टार्ट। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बहुत इजी सा। ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग पूछ रहे हैं जे एडवांस की जैसे सवाल करने के, नो यू डोंट हैव टू यू नो सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम जे एडवांस। आप ज़्यादा अगर होशियार हो तो जे मेन्स के आप कर सकते हो। ओके तो सबसे पहले आपको नीट PYQs आपको लगाने हैं। नीट PYQs यू हैव टू डू, नीट PYQs एटलीस्ट ऑफ लास्ट 15 ईयर्स। फिर आपको एम्स के MCQs लगाने हैं सिर्फ। ओके AR नहीं लगाने, MCQs सिर्फ, जैसे नीट में सवाल आते हैं ना वैसे ही सवाल लगाने। एंड अगर फिर भी आपके पास टाइम है एंड यू थिंक कि हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स करनी है, देन यू कैन गो फॉर जेई मेन्स लास्ट 10-15 ईयर्स। ओके दिस विल बी मोर देन सफिशियंट। ठीक है ये बहुत हो जाएगा, दिस विल बी एनफ। ये साक्षी रानी, 5 मंथ्स में नीट क्लियर हो सकता है डेफिनेटली, इफ़ यू हैव, इफ़ यू आर ए ड्रॉपर। ओके आपका 12th अगर हो गया है देन इट्स पॉसिबल कि आप 5 मंथ की जो है प्लान स्टडी करके यू कैन क्रैक द नीट। या ओके एंड यू कैन यू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप DC फिजिक्स जेई नीट। ठीक है जो भी कोर्सेज हम लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा आप लोगों को। हेलो अजय, साक्षी, ओके नीट 2021 भी इजी ही आएगा ना, क्योंकि 2020 में लास्ट स्टेज पर कोचिंग बंद हुए थे लेकिन 21 के टाइम तो खुली ही नहीं कोचिंग। यस लोकेंद्र इस बार भी इजी आएगा पेपर। यस अभी तो एग्जैक्ट डेट्स भी नहीं आए हैं, पोस्टपोन होने के चांसेज हैं। 21 में भी यस इजी आएगा पेपर, अभी जैसा था ना 20 के जैसा ही आएगा 21, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पेपर कैसा आ रहा है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो सबके लिए पेपर सेम आ रहा है ना तो इट विल मेक नो डिफरेंस। यस प्रज्वल, लास्क बोलिए। सी होगा, केविन इज सेइंग सी होगा। 3 मासेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, 300 ग्राम एट ओरिजिन, 500 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड 400 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी प्रॉब्लम है। उस समय सेइंग सी, हाँ 6 ग्रेटर देन 630, 640 इतना स्कोर तो आना ही चाहिए जब भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। ओके थर्ड, कूल। देखो
बहुत इजी से सवाल है, तीसरा आंसर बोल रहे हैं लोग। तीन मासेस गिवन आपको, सेंटर ऑफ मास बहुत इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पे रखा है M1 कितना है, 300 ग्राम, सो दिस इज 300 ग्राम। 0 0 पे रखा हुआ है, फिर कौन सा है, फिर 500 ग्राम, x इज इक्वल टू 40 पे है, 40,0 है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है 500 ग्राम्स, ओके दिस इज 500 ग्राम। फिर 400 ग्राम है 70 पे, ओके सो 70,0 पे, हियर एट 70,0 द मास इज 400 ग्राम्स, ओके दिस इज 400 ग्राम। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको सिंपल है, यहाँ से देखना है तो क्या होगा बोलो, एक सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, एक सेंटर ऑफ मास सिंपली M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन टोटल मास विच इज M1 प्लस M2 प्लस M3, ओके ये हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए, सीधा आंसर आपके पास में आ जाएगा। सो एक सेंटर ऑफ मास देखो कैसे आएगा, इज इक्वल टू M1 इज 300 × 0, सो 300 × 0 प्लस 500 × 40, 500 × 40 प्लस ये 400 × 70, 400 × 70 अपॉन टोटल कितना हुआ, 300 58 और 1200 ग्राम्स, ओके सर ये 1200 ग्राम हो गया। अब देखना यहाँ पे सब में से, जैसे मान लो कि आप इसको केजी में अगर डिवाइड करना चाहोगे तो यहाँ पे भी देखो केजी अगर लिखोगे तो -3 आएगा, यहाँ भी -3 आएगा, यहाँ भी -3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, -3 आएगा, तो वो कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली देखो क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, ये बनेगा आपका 20 और 28, 48 × 10^3 हो गया ना साथ में, डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 12 × 10^2, तो देखो कितना बन गया 4 और 1 ये 40 सेंटीमीटर, ओके सो एक सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। या हेलो मोंटी पनेसर, हाय हाय, ओके थर्ड इज करेक्ट, या वेरी इजी, हाँ बहुत इजी, हाँ रिसा ऋषि जैना आस्क, बोलिए इसमें डाउट है क्या, आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, बहुत इजी सवाल है, वेरी इजी। ओके ये बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द अर्थ इज अज्यूम टू बी टू हैव इन्फिनिटली लार्ज रेडियस, ओके टू एवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर टू बी कंसेंट्रेटेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द एक्सिस। बोलिए ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ अभी देखते हैं, सब लोगों को आंसर दे दो उसके बाद देखेंगे ना। Academy.
Let's crack it. Your dream is to crack IT. Fourth and one, okay. Sakshi Singh, fourth. पुष्पम सेकेंड एंड थ्री आर क्रैक करेक्ट. बोलिए जल्दी जल्दी. बोलिए सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ. बहुत अच्छा सवाल है. बोल लोगों का गलत आंसर है इसमें. बोलिए सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ फोर्थ सेकेंड. अभी देखते हैं. आकाशी सिंह सेकेंड एंड थर्ड. ओके बोलिए और आंसर दो. और आंसर दो. यू कैन थिंक यू कैन चेंज इफ यू वांट. बोलिए बोलिए अब तक जो आंसर दिए हैं तुम लोगों ने गलत है. सो यू कैन चेंज. वापस सोच सकते हो इस पे. जो आंसर दिए हैं लोगों ने वो गलत है. सो यू कैन थिंक अगेन. ठीक है एक बार वापस सोच के वापस आंसर देंगे. ओके कूल. मैं बता देता हूँ. देखो सो ऑप्शन वन इज करेक्ट. फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आर करेक्ट. बाकी गलत है. देखो कैसे कैसे गलत है. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. देखो क्यों. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स. यस जहाँ पे ग्रेविटी. देखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे सारा मास जो है एक पॉइंट पे होना कंसिडर कर सकते हैं. यू कैन से दैट ऑल द मास इज यू नो सेंटर्ड एट दिस पॉइंट. दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिफरेंट. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स. ओके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे एक्ट कर रहा होता है या वेट अगर अपन बोलें तो ये जो कहाँ पे जो एक्ट कर रहा होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज एज्यूम टू हैव इन्फिनिटली लार्ज रेडियस. ओके तो यस दिस इज राइट. अगर आप बहुत ही इन्फाइनाइट मान लोगे अर्थ को डेफिनेटली देन अर्थ का डेंसिटी भी सेम है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों क्या हो जाएंगे. एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है. स्फेरिकल कोई बड़ी चीज़ है. ओके देर आर नो सरफेस इंडुलेशंस. ओके कोई ऐसा नहीं है कि सरफेस जो है इसकी उबड़ खाबड़ है. इट्स स्फेरिकल. सो अगर बहुत ज़्यादा रेडियस है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड. एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे. सो ऑप्शन टू इज करेक्ट. थर्ड इज टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एक्सटर्नल पॉइंट द सेंटर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नो इट्स नॉट राइट. अगर कहीं पे फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है. यस वी डू वी कैन नॉट जस्ट अज्यूम कि ये यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस है. लेट से कि एम इज लाइक एम इज वेयरिंग लाइक अल्फा आर स्क्वायर. ओके
आर के साथ साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि एक पॉइंट पे ही मास हुआ है, ठीक है। सो वी हैव टू यू नो जस्ट कंसिडर द एंटायर मास, ठीक है। तो ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, दिस इज रॉन्ग। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ एनी बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सिस। नो इट्स नॉट राइट। आई इज इक्वल टू सिंपली एम के स्क्वायर। ओके, हम सारे यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए एम के स्क्वायर लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि कोई ये रिंग है, यहाँ से अगर आपने मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा अगर ये रिंग है यहाँ से? तो देखो एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2 MR² इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। सो के यहाँ से कितना था, √2 R। तो ये डिस्टेंस थोड़ी है, तो आर है, आया अपना के क्या आया, √2 R आया। सो दिस इज नॉट राइट एज वेल। सो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। समझे? थर्ड ऑप्शन क्यों गलत अभी बताते हैं। टू इवेल्युएट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी बॉडी एट एक्सटर्नल पॉइंट द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर टू बी कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नो इट्स नॉट राइट। मान लो एम अगर आर के साथ ऐसी वेरी कर रहा है, देखो 0% डाउट, अगर एम ऐसे वेरी कर रहा है तो यहाँ एक जगह पॉइंट पे मास नहीं होगा ना, इट विल यू नो मूव आउट, जो मास जो है बाहर की तरफ ज़्यादा है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कंसेंट्रेटेड है ये। ओके, डेंसिटी सेम नहीं है, मास डेंसिटी इज डिफरेंट। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पॉइंट से सीधा आर मान के पूरा एम ले लो। सो सिंपली GM/R² होगा, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, समझ में आया? वापस समझो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। इसको देखो एक सवाल से भी समझा सकता हूँ थर्ड ऑप्शन को मैं, इफ यू वॉन्ट इसको एक क्वेश्चन से भी समझा सकता हूँ मैं, देखो कैसे। देखो एक सवाल से समझाता हूँ। लेट से कि हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे काट दिया बीच में से, ठीक है, ये रिंग मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, बीच में से काटी हुई। तो जो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, इसका मास एम मान लेते हैं रिंग को, एन्यूलर रिंग। तो अगर इसका देखिए सिंपली, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, बीच में है बिल्कुल यहाँ पे, तो इसका जो ई आएगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो डिफरेंट होगा अगर इसको एक पॉइंट मास मान ले यहाँ पे, एम मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, और ये है पॉइंट, तो ये ई डैश हो जाएगा, ये एक्स है, तो एक्स ई डैश डायरेक्टली GM/X² होगा ना। तो आपका ई और ई डैश इक्वल थोड़ी है, आप ऐसे कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हो, वी कैन नॉट कैलकुलेट लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। द आंसर फॉर दिस विल बी डिफरेंट। इज दैट फॉर ए रिजिड बॉडी बोथ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड एट द सेम। रघुराम धांधा पानी बताता हूँ। यस, दिस इज अ वेरी गुड डाउट। इसमें दिक्कत ये कि यू डोंट नो अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? मैंने अगर मेरी कोई पीछे की क्लासेज आपने करी हुई हो तो मैंने डिफरेंस बताया था इसमें। देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है, लेट मी गाइज टेल यू, लेट मी टेल यू गाइज। देखो क्या होगा, लेट्स से कि ये अर्थ है ना, अर्थ, दिस इज अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉडी है मान लेते हैं इस हाइट पे, दिस इज मास एम। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और क्योंकि हम मानते हैं कि जी इज कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट मानते हैं हम, जी इज कॉन्स्टेंट नियर द सरफेस, समझे, जी कॉन्स्टेंट है नियर द सरफेस, तो इसका एम जी यहीं पे एक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गए, एक ही हो गए, ऐसा ही हम मानते हैं। बट लेट से कि यहाँ पे जो लेट से ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ बढ़ रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, जो ग्रेविटेशन है जी वो इंक्रीज हो रहा है नीचे जा रहे हैं जब, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो ये रहा, बट ऊपर के पार्ट पे अब कम फोर्स लगेगा,
ऊपर के पार्ट पे कम फोर्स लगेगा, नीचे के पार्ट पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि जी जो है नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ नहीं होके कहीं नीचे आएगा यहाँ पे, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी हियर, सो देर विल बी अ डिफरेंस। आई होप द कन्फ्यूजन इज क्लियर बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास वो है जहाँ पे इसका एम जो है उसका सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर ग्रेविटी एक्ट्स, ओके। हाँ ओके कूल, लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एम पे, एम जैसे फोर्स है 0% आउट, वो आपका क्या बोलते हैं एम पे डिपेंड नहीं करता ना, वो तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज अ हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, द पावर एग्जर्टेड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट, बोलिए। बोलिए, हाँ थर्ड, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, ओके, दिस इज द अर्थ, दिस इज हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस, अर्थ की रेडियस तक ऊपर गई है, आर तक, रिटर्निंग टू द अर्थ द पावर एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। बोलिए, सेकेंड ऑप्शन, पुष्पम इज सेइंग सेकेंड ऑप्शन, ओके, थ्री है तुक्का, आकाश इज सेइंग थ्री है तुक्का, तुक्का नहीं, साथ में मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, कैसे एक्सप्लेन करोगे ना? एक्सप्लेन करेंगे, सेकेंड है तो सेकेंड क्यों है, थर्ड है तो थर्ड क्यों है, फर्स्ट है तो फर्स्ट क्यों है? हेलो साक्षी, बोलिए, सेकंड बोलने वाले बताएंगे सेकंड क्यों है, थर्ड बोलने वाले बताएंगे थर्ड क्यों है, एक्सप्लेन इट, कन्विंस मी कि यू आर करेक्ट। पंडित कटारा, हाय, हेलो, थर्ड इसलिए होगा क्योंकि आर इज इक्वल टू आर होगा, ऋषि ये क्या रीजन है कि आर इज इक्वल टू आर है तो थर्ड होगा? तुम लोग बिल थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ ना, यू जस्ट यूज बिट मैथमेटिक्स, मैथ्स को अपना दोस्त बना लो, इट विल गिव यू द आंसर, ओके, इट विल गिव यू द आंसर। तुम्हारे सोचने से आंसर नहीं आएंगे, मैथमेटिक्स विल डू द थिंग्स फॉर यू। यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आकाश दीवान, आकाश दीवान, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यस, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। देखिए क्यों,
पावर इज सिंपली एफ डॉट वी, पी इज सिंपली एफ डॉट वी, ओके विच इज एफ वी कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। सो देखिए तीन पॉइंट देख लेते हैं, एक तो ऊपर जाते टाइम ये वेलोसिटी वी है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है जीरो है, नीचे वाले पॉइंट पे वापस वेलोसिटी कितनी है वी है। सो देखो दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री। सो देखो पी वन पी टू पी थ्री लिख लेते हैं। सो पी वन कितना आएगा, पी वन सिंपली विल बी इक्वल टू एफ वी, एफ तो ग्रेविटी का फोर्स है, तो एफ वी, एम जी किधर लग रहा है, एफ नीचे लग रहा है ना ग्रेविटी का, कोस 180 डिग्री, सो इट्स माइनस एफ वी इन दिस केस, पी वन इज माइनस एफ वी, पी टू इज सिंपली जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो, सो पी टू इज जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे तो पावर जीरो होगी, पी थ्री विल बी इक्वल टू एफ वी, देखो एम जी भी नीचे है एफ और थीटा भी दोनों के बीच जीरो डिग्री है, सो कोस जीरो डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू एफ वी, सो दिस इज पी मैक्सिमम पी थ्री, यानी कि हिट करते टाइम जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी, सो ऑप्शन थर्ड इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। यस यस बोलिए, डाउट है क्या, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मैथ्स का यूज किया करो, ऐसे मत सोचा करो यार वो ऊपर जा रहा होगा, वो नीचे खींच रहा होगा, ज़्यादा खींच रहा होगा, कम खींच रहा होगा, भाई तुम्हें नहीं पता है, जस्ट यूज द मैथमेटिक्स, ओके इट विल गिव यू द आंसर्स, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। ओके आगे बढ़े, नो डाउट्स, आगे चलते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बाद में करेंगे। एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम टू पार्टिकल्स ऑफ 2 kg एंड 3 kg हैव पोजिशन आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 kk एंड 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर 2 i कैप एंड आई कैप माइनस 3 j कैप, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज, बोलिए थर्ड, आकाशी सेइंग थर्ड, पंडिती सेइंग थर्ड, ओके तीन लगता है बट श्योर नहीं है आकाश, अभी देखते हैं, तो बहुत इजी है इसमें, क्या श्योर नहीं है यार, इट्स वेरी इजी। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इजी 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 इजियर इजीएस्ट, थर्ड थर्ड बोल रहे हैं सब लोग,
चार भी बोला है कुछ लोगों ने। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने चार भी बोला है। साक्षी सिंह फोर्थ, बाकी लोगों ने तीन बोला है। दो साक्षी है, एक रानी है, एक मासूम है। ओके यस, थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। वी सेंट्रोमास इज सिंपली रिटन एज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ओके दिस इज वी सेंट्रोप मास, सो आई कैन राइट वी सेंट्रोप मास वेक्टर इज इक्वल टू m1 इज 2 kg, v1 इज 2 i कैप प्लस m2 इज 3 kg, v2 कितना है i कैप माइनस 3 j कैप अपॉन टोटल मास विच इज 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5। तो देखो कितना बन गया है, 4 i, और 3 i कितना बन गया, 7 i कैप माइनस 3 × 3 9 j कैप अपॉन 5। ओके इसका इसका पोजीशन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, देर विल बी नो डिफरेंस फ्रॉम दिस पोजीशन। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कन्फ्यूज करने के लिए। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके दिस इज वेरी इजी, आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट्स? बहुत आसान सवाल है। ओके लेट्स मूव अहेड, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। थ्री आइडेंटिकल स्फेयर्स केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर आर टचिंग ईच अदर एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ ईच स्फेयर इज एम एंड रेडियस इज आर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r1 एंड y ऑफ द सेंटर ऑफ मास रेस्पेक्टिवली आर। आई थिंक आई हैव मिस्ड द डायग्राम, सो वी विल स्किप दिस प्रॉब्लम। ये बताइए, ये बताइए, अच्छा सवाल है। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज शोन इन द फिगर, देन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास रेस्पेक्टिवली आर। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम यार, बताइए। बोलिए जल्दी से ही। फर्स्ट, सब लोग फर्स्ट बोल रहे हैं। ओके अभी देखते हैं। फर्स्ट बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, वेरी इजी। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर लोकेटेड, देखो एम एम दे रखा है, सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लो सबसे पहले, है ना। लेट मी कैलकुलेट इट नाउ। देखो दिस इज 15, दिस इज एम, सो दिस कोऑर्डिनेट इज 15,0। ये 8 है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,8, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो देखो सबसे पहले एक सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके सो देखना एक सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे। एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इज m, x1 इज 0 प्लस m2 इज m, x2 इसका कितना, देखो इसका x2 0 हो गया प्लस m3 इज m, x इज 15 अपॉन टोटल मास इज 3 m। ठीक है सो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, तो एक सेंटर ऑफ मास आ गया 5 सेंटीमीटर। वाई सेंटर ऑफ मास ऐसे आ जाएगा, देखो कैसा, इसका 0 इसका 0
तो देखो एम जीरो वाई वाला, एम जीरो वाई वाला प्लस एम इसका कितना 8 अपॉन टोटल कितना है 3 एम, सो कितना हो गया 8/3 सेंटीमीटर, सो 5 8/3। ओके सो ऑप्शन वन इज करेक्ट, 5 सेंटीमीटर 8/3 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? कूल है? किसी को डाउट है इसमें प्लीज आस्क। यस करेक्ट, बहुत इजी था, इजी इजी सवाल है। तो मैंने देखो ढंग से पढ़ाया भी है सेंट्रोमास, मैंने थ्योरी भी मैंने ढंग से पढ़ाई है। इफ़ यू हैव यू नो जस्ट जॉइन माय सेशंस, आपने अगर देखे हैं लेक्चर्स मेरे, देन इट्स वेरी इजी। ओके मैंने सारा कुछ बताया था तुमको, राइट? आगे चलते हैं। ये बताएंगे, टू स्केटर्स ए एंड बी ऑफ मास 60 एंड 80 केजी स्टार्ट पुलिंग ईच अदर विद हेल्प ऑफ ए मासलेस रोप सोन इन द फिगर, द मीटिंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ। बोलिए। इजी है बट अच्छा सवाल है, इजी एंड स्वीट। बोलिए। बोलिए जी। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इजी एंड स्वीट। फोर्थ पुष्पम इज सेइंग फोर्थ, साहिल इज सेइंग फोर्थ, आकाश इज सेइंग फोर्थ। फोर्थ साक्षी रानी इज सेइंग फर्स्ट, पंडित इज सेइंग फोर्थ, हेलो हालिमा सुल्तान। फोर्थ क्यों आएगा? वाई फोर्थ इज करेक्ट, क्यों करेक्ट है? वाई द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बताएंगे कारण, बताएंगे कारण।
जब सही उत्तर माना जाएगा, पढ़ुत्तर। बोलिए, वाई फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेंट्रोमास से क्या होगा, सेंट्रोमास से क्या होगा? M1 into 1, M2 into 2 इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सिंपल फंडा है। यस फोर्थ इज करेक्ट। देखो क्यों करेक्ट है बता देता हूँ मैं, है ना। देखो सिंपल फंडा है, जब भी कोई चीज़, देखो जैसे ये है ना, ये इसको आप कहीं से भी कोई भी चीज़ ले लो, एक कुछ भी ले लेना, है ना, उसको आप कहीं से भी हाथ रख लीजिए, कहीं से भी हाथ रख लो, ये आके सेंट्रोमास पे रुकेगी। चाहे एक है ना, क्या बोलते हैं, एक को चाहिए आप, है ना, क्या बोलते हैं, यहाँ से कर लो एक को, देखो बीच में रख लो, यहाँ रख लो ना, तो भी देखना इधर लेफ्ट वाली कम चलेगी, राइट वाली ज़्यादा चलेगी, बिल्कुल सेंट्रो मास पे आके मिलेंगे। चाहे इनको दूर दूर रख लो, स्टार्ट करो, फिर भी देखना ये आपका सेंट्रो मास पे आके मिलेगा सिस्टम, ठीक है। सिंपल फंडा, जैसे देखो बुक से दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे लेट से दिस इज अ बुक। अब जैसे आपको मान लो मैंने एक एक हाथ रख दिया सेंट्रो मास पे, एक रखा यहाँ पे, तो लेफ्ट विल नॉट मूव। देखा आपने, देखो मैंने सेंट्रो मास पे रखा लेफ्ट, राइट से शुरू किया, मूव नहीं करेगा। अगर मैं दूर दूर रखता तो दोनों मूव करते, जब तक कि दोनों सेंट्रो मास पे नहीं आएंगे। तो कहीं से स्टार्ट कर लो, सेंट्रो मास पे आके मिलेगा सिस्टम, ओके। तो सेंट्रो मास पे आके मिलेगा, दैट्स वाई आपका यहाँ पे सेंट्रो मास कैलकुलेट कर लो, वहीं पे सीधा सीधा आंसर आएगा, ओके। यस सेंट्रो मास इज करेक्ट। यस 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 यस। ये बुक पढ़ी है आप लोगों ने? डू यू नो अबाउट दिस बुक? इट्स अ वेरी गुड बुक, इफ यू हैव इन योर कलेक्शन, इट्स अ वेरी गुड बुक, कॉस्मोस बाय कार्ल सागन। कार्ल सागन की बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर और नॉट, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, सो इट्स सिंपल, डायरेक्टली आपको लिखना है, एक सेंट्रो मास इज इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, बस इतना सा लिख दीजिए, यहाँ पे मिलेगा। तो देखो एक सेंट्रो मास कितना आ जाएगा, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। सो M1 देखिए कितना है, M1 इज 60 kg, 0 पे है, सो 60 0 प्लस M2 कहाँ पे, M2 इज 10 एंड 80 kg, सो 80 × 10 अपॉन M1 प्लस M2, 60 + 80 इज 140, सो दिस इज 800/140, ये कितना आ जाएगा, 80/14, और वी कैन राइट 40/7 मीटर। तो यहाँ पे आके मिलेंगे सेंट्रो मास पे, क्यों मिलेंगे मैंने रीजन आपको बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर। यस ठीक है, इजी था, वेरी इजी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। आगे चलते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए प्लेनर बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द फिगर आर। गिवन है सब कुछ, है ना, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास, दिस इज ओरिजिन। जल्दी फास्ट आंसर देंगे, फास्ट। बोलिए जी।
बताइए, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत इजी सवाल है। थर्ड, दिव्यांग इज सेइंग थर्ड, निशांत इज सेइंग फोर्थ, साक्षी रानी इज सेइंग थर्ड, नूर मोहम्मद इज सेइंग थर्ड, माध्य इज सेइंग थर्ड। ओके, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, फास्ट फास्ट। आकाश इज सेइंग थर्ड, पुष्पम इज सेइंग थर्ड, सब लोग थर्ड बोल रहे हैं। ऑप्शन थर्ड, नूर मोहम्मद इज सेइंग सेकंड, दिव्यांग इज सेइंग थर्ड। ओके, थ्री सी, अभी देखते हैं। सब लोग थर्ड बोल रहे हैं। ओके, ओके, सोल्व करके आंसर दो यार, ऐसे मत दो ना। आकाश इज सेइंग फोर्थ। ओके, कूल कूल, ओके साक्षी, मैं सॉल्व करूं इसको अब। शुड आई सॉल्व इट नाउ? तुक्का भी एक भिड़ाओ, दो दो तुक्के मत भिड़ाओ। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, इसमें दो एरिया है, दो एरिया, दो एरिया ले लीजिए आप। दिस इज नंबर वन, ठीक है, ये पहला एरिया हो गया। एक एरिया ले लीजिए ये वाला, दो एरिया ले रहा हूं देखना मैं। सेकेंड एरिया इज दिस, ठीक है, तो हमने ऐसे दो एरिया ले लिए। अब देखना इसका, ये तो ओरिजिन है ना, ये तो ऊपर वाले का एरिया, ये तो ले लीजिए फर्स्ट, ऊपर वाला रेक्टेंगल फर्स्ट, दिस इज रेक्टेंगल टू। तो इसका सेंट्रो मास तो ये रहा, इसका सेंट्रो मास तो कहाँ है, 0.0 पे। इसका सेंट्रो मास देखना, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया इसका, सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ये पूरी लेंथ देखते हैं, देखो ये कितना है, 8 है ना, तो ऊपर ऊपर का ये कितना बच गया, 4 बच गया ना, 4 और 4 8, और ये कितना है, 2 है पूरा, तो ये कितना बचा, 1, 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ, तो 0.-5। आई होप कोऑर्डिनेट लिखने में किसी को डाउट नहीं है। सो देर आर टू मासेज, एक का 0.0 पे सेंटर ऑफ मास है, एक का 0.-5 पे है। अब देखो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया 14 × 2, तो इसका मास मान लेते हैं 28 m, लेट से 28 m हो गया एरिया का, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा मास। इसका एरिया देखो कितना है, 2 × 8 16, तो इसका एरिया, इसका मास कितना हो गया, 16 m। तो हमारे पास देखना अब सवाल क्या है, नया सवाल क्या है, वी हैव ए न्यू प्रॉब्लम नाउ। एक तो 0.0 पे है मास, कितना है, 28 m है, ठीक है, एक यहाँ है, कितना है, 16 m है, कहाँ पे, 0.-5 पे, ठीक है। तो ये मैंने दो मास ऐसे बना लिए। अब सिंपल है, एक सेंटर ऑफ मास देखो कैसे लिखोगे, एक सेंटर ऑफ मास इज m1, 28 m, x1 कितना है इसका, 0, प्लस m2 16 m, इसका भी कितना है सेंटर ऑफ मास x का, 0, अपॉन टोटल कितना हुआ, 44 m, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, एक सेंटर ऑफ मास इज 0। अब y सेंटर ऑफ मास देखना, y सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे, y सेंटर ऑफ मास 28 m का कितना है, 0, प्लस इसका कितना है, 16 m का कितना है, -5, अपॉन टोटल कितना है, 44 m, तो देखो कितना बना y सेंटर ऑफ मास। सो y सेंटर ऑफ मास विल टर्न आउट टू बी 0 हो गया, ये -80 m हो गया, -80 m, ठीक है, अपॉन 44
44 m, m कैंसिल आउट हो गया, -84 से कैंसिल आउट कर दो, -20/11, ओके। सो 0,20/11 मीटर, ओके। सो माइनस आएगा यहाँ पे ना, सिंपली माइनस आएगा यहाँ पे, सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट? गुड इवनिंग साहिबा। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। देखिए बहुत इजी सवाल था, जिन लोगों ने तीसरा आंसर दिया था वो तो सीधे ही गलत हो गए, तीसरा और दूसरा तो हो ही नहीं सकता, एक्स कोऑर्डिनेट तो यार यहीं पे आएगा ना, जीरो पे। सो या तो पहला तुक्का बिठाते हैं या चौथा तुक्का बिठाते हैं ना। यस आकाश यू आर करेक्ट, आपने सही आंसर दिया था, गुड। बोलो दिव्यांग, बोलिए। दिव्यांग आस्क व्हाट इज योर डाउट। बहुत इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। ओके दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू पर्सन्स ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg रेस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ बोर्ड। द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 3 मीटर एंड वेट इज 100 kg, द वेट ऑफ बोर्ड इज 100 kg। द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विथ हिम। इफ द बोर्ड इज स्टिल इन वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बोलिए। भाई दिव्यांग डाउट डाउट बोलते रहोगे तो डाउट ही रह जाएगा तुम्हारा, पेपर निकल जाएगा नीट का, थोड़ा तेज रहो। मंजे जल्दी से आंसर देंगे, समझ के और सोल्व करके आंसर देंगे, तुक्का नहीं बढ़ाएंगे। साहिल इज सेइंग फर्स्ट, अंशु, साक्षी 0% डाउट, आकाश, सब लोग, माद्या, दिव्यांग, सब लोग बोल रहे हैं फर्स्ट। हाँ होशियार हो रहे हो, बहुत होशियार हो रहे हो। बहुत तेज हो रहे हो। फोर्थ पुष्पमी सिंह, फोर्थ सीमा इज सिंह ई, अभी देखते हैं। ओके सब लोगों के आंसर आ गए, कोई बच गया नहीं? साहिबा सूफी सिंह फोर्थ, हेलो मीनू जसवानी, कोई बचा तो नहीं है? सब आ गए। ओके पुष्पम यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके जीरो इज करेक्ट, इट्स वेरी इजी, दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया है। इफ द बॉट इज स्टिल इन द स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाई। देखिए ये पानी, पानी की नदियाँ,
ये पानी इसके अंदर नाव है अपनी, ये नाव है, इसमें दो आदमी बैठे हैं, एक इधर एक इधर, ये पुष्पम है और ये पुष्पक है, दो जने हैं। अब देखो इसका वेट M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है। चाहे इधर उधर जाए, चाहे ये इधर जाए, चाहे ये इधर आए, चाहे बोट इधर जाए, चाहे इधर जाए, देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो। सो के एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो एंड यू सेंटर ऑफ मास, इनिशियली रुकी हुई ना बोट, यू सेंटर ऑफ मास ज़ीरो, दैट्स वाई वी सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम विल बी इक्वल टू यू सेंटर ऑफ मास प्लस ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी। एफ एक्सटर्नल ज़ीरो सो ए सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो, सो दिस सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, दैट मीन्स द सेंटर ऑफ मास विल नेवर शिफ्ट फ्रॉम द पोजिशन। ओके, हो सकता है नाव इधर उधर हो जाए, बट सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, सो द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ज़ीरो। आई होप दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड, यस और नॉट? या हेलो विजय प्रजापत, हाय सर, मैं पढ़ता नहीं हूँ, फोन ही चलाता रहता हूँ, क्या करूँ? आकाश पढ़ा करो, राइट? जो लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारी PDF में वहाँ पे आपको दे दूंगा। ओके, DC फिजिक्स JEE नीट, दिस इज आवर ग्रुप, सो यू विल बी गेटिंग द नोट्स एंड PDF, जो भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सेंड? नहीं होगा, नहीं होगा पुष्पम, देखो अगर एक आदमी यहाँ जाएगा ना, इधर आएगा, तो बोट जो है इधर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, बोट विल मूव हियर, तो सेंटर ऑफ मास जो है यहीं रहेगा बीच में। ओके, बोट एडजस्ट हो जाएगी पुष्पम, जैसे ही आदमी उठ के यहाँ जाएगा तो बोट विल गेट एडजस्टेड, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। सोनू कुमार, सपोर्ट BJP। ओके, ये इधर जाएगा तो बोट इधर आएगी, ये इधर आएगा तो बोट इधर जाएगी, समझ रहे? ऐसे ऐसे होगा। सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एट DC फिजिक्स JEE नीट, ये जो भी पढ़ रहे हैं उसकी PDF मैं आपको भेज दूंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी यहाँ पे आपको मैं दे दूंगा। ओके, ये भक्त हमारे दरबार में आ गया, एक भक्त, दिव्यांग भक्त। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, कि आगे बढ़े, आगे चलें? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। या सोनू कुमार, हिंदी में बोलते हैं यार, इंग्लिश में सवाल है ये। बोलिए, सेकेंड, दिव्यांग इज सेइंग सेकेंड, ओके, बसीर सेकेंड, सब लोग सेकेंड बोल रहे हैं, बाकी लोग जल्दी से आंसर देंगे, फास्ट फास्ट फास्ट, M और 5 M में ध्यान रखना। देखो ऐसा है, दिस इज M, दिस इज 5 M, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस गिवन है ना, 12 R गिवन है, ठीक है? रेडियस इसकी R है,
और इसकी कितनी है, 2 आर है। और इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी, 9 आर होगी ना, ये वाली डिस्टेंस है 9 आर। सेकंड सेकंड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सेकंड बताएंगे, जो सेकंड आंसर दे रहे हैं वो बताएंगे कैसे किया जाएगा, कैसे करें इसको। बोलिए। M1 इंटू वन M2 X2 इक्वल टू 0। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। देखो फिर से एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। ओके इट्स वेरी इजी। इट्स वेरी इजी, देखो क्या करना है, सिंपल है यार। यहाँ पे है ये एम, यहाँ पे आपका 5 एम, दिस इज 5 एम। देखो मैं बता देता हूँ, सो डिस्टेंस बिटवीन देम देखो कितनी कितनी डिस्टेंस है। सिंपली दिस डिस्टेंस इज 12 आर, और ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 9 आर है ये वाली। तो इन दोनों को मिलके कितनी चलनी है, 9 आर चलनी है, जब भी तो टच होंगे। तो लेट से ये चलता है इधर कितना, इधर एक्स चलता है, ये चलता है इधर एक्स, तो इसको इधर कितना चलना पड़ेगा, 9 आर माइनस एक्स चलना पड़ेगा ना, जब भी तो मिलेंगे। ये अगर एक्स चल जाएगा, 9 आर माइनस एक्स ये चल जाएगा, तो मिलके कितने चल गए, 9 आर तो जुड़ जाएंगे। सिंपली आई कैन राइट M1 X1 प्लस M2 X2 इज इक्वल टू 0। सिंपल फंडा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो M1 इज M, X1 कितना है X, प्लस M2 कितना है, M2 इज 5 एम, ठीक है। और ये कितना है, देखो ये नेगेटिव में चल रहा है, ध्यान रख लेना, नेगेटिव में चल रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा -9 आर माइनस एक्स। ओके इज इक्वल टू 0, एम कैंसिल होगी, 0 में चला गया, तो X प्लस ये देखो कितना बनेगा, -45 आर, 45 आर, और क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट 5x + x इज इक्वल टू 45 आर, और x इज इक्वल टू 45 आर अपॉन 6। तो ये कितना बनेगा, 7.5 आर, कितना चलना पड़ेगा, 7.5 आर। ओके ये पूछा, स्मॉलर बॉडी कितना चलेगी यहाँ से, ये कितना x कितनी वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 आर ये चलेगी, तो ये कितनी चलेगी इधर, ये चलेगी इधर 7.5 आर, तो ये इधर चलेगी 1.5 आर। ओके बड़ी पूछता तो 1.5 आर, छोटा पूछता है तो 7.5 आर। सो ऑप्शन 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। यस यस सेकंड इज करेक्ट। बोलो किसी को संदेह है तो प्लीज बोलेंगे, है ना, शर्माना नहीं है, संदेह है तो बोलेंगे, नो डाउट्स।
आस्क इफ यू हैव एनी डाउट्स। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए कि कुछ पूछना है, कुछ पूछना है तो बोले, वरना आगे बढ़ते हैं। ओके आगे चलते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस प्रॉब्लम। ओके देर आर नो ऑप्शंस नाउ। ओके ऑप्शंस नहीं है। अब देखें, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ईच ऑफ द ब्लॉक्स ऑन इन फिगर इज 0.20। द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक्स इज परफेक्टली इलास्टिक। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स वेन दे कम टू रेस्ट। फर्स्ट सॉल्व दिस। ओके ये सॉल्व करेंगे पहले, वो थोड़ा बड़ा सवाल है। ये बताएंगे, टू ब्लॉक्स ऑफ मास एम वन एंड एम टू आर कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। द ब्लॉक ऑफ मास एम टू इज गिवन ए शार्प इम्पल्स सो दैट इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी वी नॉट टुवार्ड्स राइट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। या बोलिए। गुड इवनिंग दिव्या। हाँ आकाश, दोनों के आंसर बताएंगे, अगला भी बताएंगे। द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर, ये भी बताना है। ओके ए का, ए इज वेरी इजी, बी भी बताना है। रूट एम वन एम अपॉन एम टू इंटू वी नॉट, अभी देखते हैं। यस साक्षी बताइए क्या आंसर आना चाहिए दोनों का, ए और बी का। बहुत इजी सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पुष्पमी सिंह, एम टू वी अपॉन एम वन प्लस एम टू। कटप्पा कौन है? कटप्पा, हु इज कटप्पा? कटप्पा ने बाहुबली बाहुबली को क्यों मारा? ये तो आंसर मिल गया तुम लोगों को।
यस, फर्स्ट का ऑप्शन इज करेक्ट, ए के लिए राइट है, ए का ऑप्शन जो तुम लोगों ने दिया है इट्स करेक्ट। वी सिंड्रोम मोआस इज रिटन इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके, सो वी सेंट्रोमास देखो कैसे करेंगे, वी सेंट्रोमास इज इक्वल टू एम वन इज एम वन वी वन इज जीरो प्लस एम टू वी टू इज वी नॉट अपॉन एम वन प्लस एम टू। सो सिंपली वी सेंट्रोमास कैन बी रिटन एज एम टू वी नॉट अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके, दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है, करेक्ट है, बी का बताएंगे। दिव्या पटनायक, डायरेक्ट फॉर्मूला है एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। सो एम वन इज गिवन, एम वन की वेलोसिटी जीरो है, एम टू की वेलोसिटी वी नॉट है अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके, यस आकाश, आकाश और क्या बोलते हैं पुष्पम, आपका सही था, यस आंसर वॉज करेक्ट। हाँ आकाश देख लिया था। हेलो हिमांशी चौहान, हाय। बी का आंसर देंगे, पुष्पम इज सेइंग रूट एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू वी। अभी देखते हैं पुष्पम, बी का भी ऊपर देखें। हाँ बी का भी देख लिया, 0% डाउट का रूट एम वन अपॉन एम टू इंटू वी था। और वापस आंसर देंगे वापस, आकाश, आकाश सिंह रूट एम वन एम प्लस एम टू वी स्क्वायर अपॉन के। अभी देखते हैं, हाँ देख लिया सबका, देख लिया मैंने सबका आंसर हमारे सामने है। अब देखना ये है कि किसका सही है। ओके, यस आकाश, चलो मैं सोल्व करता हूँ, देखो क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, है ना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। सो दिस इज एम वन, दिस इज एम टू, ये भी जा रहे हैं वी नोट से। ओके, जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन की कंडीशन में देखो क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन, उस केस में क्या होगा, दोनों ब्लॉक जो हैं साथ में जा रहे होंगे, ठीक है, एकदम खिंच गई होगी स्प्रिंग, एकदम खिंच गई, स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लग जाएगी, इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग, तभी तो साथ साथ चलेंगे ये दोनों, इसकी वेलोसिटी भी कुछ वी डेस हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी कुछ वी डेस हो जाएगी, दिस इज एम वन एंड दिस इज एम टू, वी डेस हो गई, वी डेस हो गई, कूल है, ठीक है, ये एम वन एम टू वी डेस, वी डेस से जा रहे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देखो कैसे लगाएंगे, इनिशियली कितना एम टू वी नॉट, इसका एम टू वी नॉट है, इसका कितना था जीरो, फाइनल देखो कितना हो गया एम वन प्लस एम टू इंटू वी डेस, तो वी डेस देखो कितना आ गया, वी डेस इज इक्वल टू एम टू वी नॉट अपॉन एम वन प्लस एम टू। ओके, दिस इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं इसमें, यस वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, सो वी आर अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, तो देखो इनिशियली कौन सी एनर्जी है, इसके पास सिर्फ काइनेटिक है, तो क्या बनेगी, हाफ एम टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, और कोई एनर्जी नहीं है, बाद में देखो इसकी स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सेम है, तो सॉरी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी वी डेस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वन प्लस एम टू वी डेस स्क्वायर। ओके, दिस इज द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। ओके, सो अब यहाँ से देखिए क्या करें, हाफ सब में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बना एम टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना के एक्स नॉट स्क्वायर, के एक्स नॉट मान लेते हैं स्क्वायर प्लस एम वन प्लस एम टू, और वी डेस देखो ये रहा, वी डेस का स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, एम टू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, एम वन प्लस एम टू स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा, तो देखो यहाँ से एम वन प्लस एम टू कट जाएगा तो क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू वी नॉट स्क्वायर माइनस, देखो ये रहा, यहाँ से क्या बने, यहाँ से क्या है, एम टू स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये बना, ठीक है,
तो यहाँ से अपना आंसर आएगा आगे का, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर तो आपका कॉमन आ गया, तो देखना क्या बनेगा, वी नॉट स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बनेगा के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, इसमें गुणा होगा क्या बनेगा देखना, एम वन एम टू, वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, साथ में क्या बनेगा एम वन एम टू, एम वन एम टू, फिर बनेगा एम टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर बनेगा, एम टू स्क्वायर आया ना, एम टू स्क्वायर माइनस एम टू स्क्वायर ये है, अपॉन क्या आएगा एम वन प्लस एम टू। तो देखो ये एम टू स्क्वायर तो कट गया, तो सिंपली एक्स नॉट क्या आ गया, देखो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर आएगा तो बनेगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है, इसका रूट। और साथ में देखो वी नॉट, इसमें साथ में क्या आएगा वी नॉट स्क्वायर, और यहाँ नीचे के भी लगा सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर अपॉन के, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, दिस क्वेश्चन इज फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है, नीट में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, बस ऐसे करवा दिया मैंने, अच्छा लग रहा था तो करवा दिया। तो ये किसका सही था, आकाश धीमान आपका गलत था, पुष्प मैडम आपने भी के नहीं लिखा है ना आंसर में, एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो लिखा है, साथ में के नहीं लिखा है नीचे, साक्षी मासूम आपका सही लिखा था आंसर, यस। बोलिए क्या हुआ, ओके ग्रेट, ये बताइए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ओके कूल, ये भी अच्छा सवाल है, दिस इज ए गुड क्वेश्चन अगेन, बोलिए इसका क्या होगा। बोलिए क्या आंसर आएगा इसका, बहुत इजी सवाल है। टू ब्लॉक्स ऑन इन फिगर हैव इक्वल मासेस, द सरफेस ए इज स्मूथ बट बी हैज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.10 विद द फ्लोर, ब्लॉक ए इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बी विच इज केप्ट एट रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड द कोलिजन पर इज परफेक्टली इन इलास्टिक।
ए का 12.5 मीटर, ओके अभी देखते हैं। ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर, ओके अजीम। फिफ्टी मीटर, 12.5 मीटर, ओके अभी देखते हैं। ओके 50 मीटर, 12.5 मीटर, अभी देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो फर्स्ट केस में 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है व्हेन कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। तो देखो सिंपली बी जो है, बी टकराने के बाद ए तो रुक जाएगा, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक में सेम मास होते हैं तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, म्यू इज गिवन। तो देखो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है बी, पहले वाले केस में है ना, 10 मीटर पर सेकेंड। म्यू कितना गिवन है? म्यू इधर लगेगा फोर्स, म्यू एम जी, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या होगा? ए कितना आएगा? म्यू जी, माइनस म्यू जी आ जाएगा ना, तो म्यू 0.10। सो ये 0.10 हो गया ना, 0.1 तो 1 हो गया, ये 0.1 × 10 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया सिंपली। सो ए इज -1। सो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2s। सो वी इज 0, यू कितना है? यू यू है 10, तो 100 -2, ए इज 1 × s। तो एस कितना गया सिंपली? एस इज 50 मीटर्स। तो पहले वाले केस में 50 मीटर आ गया डायरेक्टली, बहुत ईजी था, इट्स वेरी इजी। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में परफेक्टली इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक हो गए तो ए और बी दोनों मिलकर आ जाएंगे। कितना मास है इनका? ए और बी का सेम मास है, जो भी मास होगा ठीक है सेम मास है। तो देखो कितने से जाएंगे ए प्लस बी, पहले मोमेंटम देखो कितना था, दूसरे वाले केस में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड होगा तो अब 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी। सेम फोर्स वही है म्यू एम जी, रिटार्डेशन वही, ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2s, 0 इज इक्वल टू 25, -2 ए इज 1 × s इज s, s कितना आ जाएगा? 12.5 मीटर। सो 12.5 मीटर एंड 50 मीटर, दीज आर द आंसर्स। यस पुष्पम, यू एब्सोल्युटली करेक्ट, 50 एंड 12.5।
गुड इवनिंग अनुष्का। हेलो पीयूष यादव। बोलिए। दोनों सवाल यस करेक्ट। पुष्पम, साक्षी, आकाश, आपके आंसर्स करेक्ट थे। यस डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट इज हियर। जीरो परसेंट डाउट। आपने क्या आंसर दिया था? यही दिया था क्या तुमने भी? 50 एंड 12.5। अगर आंसर यही था तब तो यू आर करेक्ट। ये एलन वाला है क्या? आकाश। यस अजीम, आपका भी सही था। ओके ग्रेट। ओके सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप एट डीसी फिजिक्स जेई नीट। ओके और यहाँ पे आपको अभी जो पढ़ा है हमने उसकी पूरी पीडीएफ और नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, प्रेषित किए जाएंगे, प्रेम से सब प्रेम भेंट किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक्स, बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 8:30 PM आगे का सेशन लेके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। ओके अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश, हिमांशी, अजीम, मीनू, साक्षी, पीयूषा, 0% डाउट, पनिशर, पुष्पम, सब लोग बाय, टेक केयर। हाँ कार्डियोलॉजिस्ट, ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। ओके यहाँ पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, डीसी फिजिक्स जेई नीट, यू कैन ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पीडीएफ भेज दूंगा। सो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मेरा नाम दिलीप सिंह चौहान है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे वापस नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।